आज कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड आफ्टरनून नहीं, कोई गुड इवनिंग नहीं यार, आज बस चुप करके मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बस मेरी बातें सुनो। मेरा चैनल हैक होते होते बच गया यार, मेरा चैनल हैक होते होते बच गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह, मिल के दुआ करते हैं यार। मतलब लोग कैसे यार वारदात डाल रहे थे मेरे चैनल पे, मतलब मेरे चैनल पे डाका डलने वाला था और मुझे पता ही नहीं था। अब ये स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ पहले कि मुझे कैसे पता चला कि मेरे चैनल पे डाका डलने वाला था। पाकिस्तान का एक यूट्यूबर था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको कहानी बताता हूँ सिर्फ उसकी। उसके चैनल पे अराउंड 100K सब्सक्राइबर्स थे, मतलब 100,000 के करीब सब्सक्राइबर्स होने वाले थे। तो 2-3 हफ्ते पहले उस बेचारे का चैनल हैक हो गया, सही है। तो वो मतलब कोशिश करता रहा पिछले 2-3 हफ्तों से कि उसका चैनल वापस आ जाए, लेकिन वापस नहीं आया। तो उसको पता लग गया होगा कि मेरा चैनल वापस नहीं आया, तो उसने एक नया चैनल बनाया 2 दिन पहले। तो वहाँ पर उसने एक वीडियो अपलोड की कि उसका चैनल किस तरह से हैक हुआ। तो मैंने वो वीडियो देख ली, तो जो जो उस वीडियो में था कि जिस तरह से उसका चैनल हैक हुआ, जिस VPN कंपनी ने उसको अप्रोच किया, जिस तरीके से उसको फंसाया गया, वो सेम तरीका मेरे साथ हो रहा था पिछले 2 हफ्तों से, और मुझे पता ही नहीं था। तो बात ना भी है कि आपको पता है कि यूट्यूबर्स, मतलब हम लोग जो होते हैं, तो काफ़ी कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं और आपको कहती हैं कि जनाब ये हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करो, इसको फैलाओ, लोगों तक पहुँचाओ, इसके बारे में रिव्यू दो। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ था, मतलब काफ़ी आते रहते हैं और मैं करता रहता हूँ, क्योंकि कभी कभी पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है आपको, है कि नहीं। तो ये एक VPN कंपनी थी, इसने जनाब मुझे अप्रोच किया और बोला जनाब कि मिस्टर जैक साहिब, आपने हमारे VPN की एडवर्टीज़मेंट करनी है और हम आपको इतने पैसे दे सकते हैं। तो मैंने बोला ओके ठीक है, यस करवाओ। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाते हो, तो आप पहले एक सैम्पल बना के उनको भेजते हो, लाइक एक प्रमोशनल वीडियो बना कर उनको भेजते हो। अगर उनको पसंद आ जाती है तो फिर वो बोलते हैं ओके, वो आपको पैसे भेज देते हैं। मैंने प्रमोशनल वीडियो बनाई, उनको भेजी, उनको पसंद आई, उसके बाद बारी आई पैसों की। तो आपको पता पाकिस्तान में जो है ना, पेपल और बिटकॉइन और यूनियन पे, इन चीज़ों का भी फुकदान है, मतलब अभी है ही नहीं, है ना। तो उन्होंने बोला कि हम आपको पैसे इस तरह से भेजेंगे। मैंने बोला भाई मेरे पास इसकी मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे नहीं है, मैं इस तरह पैसे नहीं ले सकता, आप मुझे वेस्टर्न यूनियन से भेज दो। उन्होंने बोला ओके भेज देंगे। उसके बाद जो मेन कार्रवाई डलनी थी ना, वो ये वाली थी। उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे उनका VPN डाउनलोड करना है। उसने मुझे लिंक भेजा, उसने मुझे बोला कि आपको ये VPN डाउनलोड करना है, सही है। उसके बाद आपने इसके अंदर जाना है और अपनी ID को हमारे साथ अफिलिएट करना है। अफिलिएट इसलिए करना है क्योंकि जो हमारा सिस्टम होगा वो आपको रिकग्नाइज़ कर लेगा और फिर आपके नाम पे आपको पेमेंट जारी करेगा। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे लिंक भेजा, मैंने डाउनलोड किया, लेकिन मेरे लैपटॉप ने मेरा बहुत 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 साथ दिया। जो उसका सॉफ्टवेयर था, मतलब VPN था, वो 95% पे जाके रुक जाए। मैंने कोई 10-15 मरतबा ट्राई किया, वो 95 पे जाके रुक जाए और नीचे वो शो करे भाई ये वायरस है, ये थ्रेटन्ड फाइल है, ये करप्टेड फाइल है, ये डाउनलोड नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैंने उनको मेल बैक किया, मैंने कहा भाई ये काम नहीं कर रहा आपका ये जो VPN है, सही से आप दोबारा से कोई और लिंक भेजें। उसने एक दिन बाद फिर मुझे एक और लिंक भेजा, उसको डाउनलोड किया मैंने, वो भी 95 पे जाके रुक जाए। मेरा लैपटॉप बार बार जनाब ये बोले कि ये थ्रेटन्ड फाइल है, इसको ओपन ना करो, वायरस है, ना करो, और वो डाउनलोड ही ना हो। मैंने 3-4 मरतबा उसको वापस भेजी, तो उसने बोला ठीक है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं और जो भी हैं वो डेवलपर्स, वो इस पर काम कर रहे हैं, हम आपको एक नई साइट भेजेंगे, आप उसको डाउनलोड करना। मैंने कहा ओके। उसके बाद मैं घर चला गया, वीकेंड था, सैटरडे एंड संडे, एंड उसके बाद मैं घर चला गया। तो घर जाकर मैं फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करता, लैपटॉप वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता, व्लॉग नहीं बनाता। तो उस दौरान एक मेल आई हुई थी मुझे, जो कि एक तीसरी, मतलब थर्ड पार्टी थी, और अगर मैं वो देख लेता और वो मैं जाकर वहाँ पे एफिलिएट कर लेता तो भाई मेरा चैनल गया था। लेकिन ये हुआ कि मैं जब मतलब घर गया, उसके बाद वापस आया, उसके बाद मैंने ये वीडियो देख ली, तो मेरी बचत हो गई। ये सबसे बड़ी बचत, मतलब मेरी काहली की वजह से मेरा चैनल बच गया। क्योंकि उसके बाद जब मैंने उस लिंक को ओपन किया था ना, वो डायरेक्ट ओपन हो रहा था लिंक, मतलब अफिलिएशन हो जानी थी मेरी ID की उनके साथ, और उसके बाद मेरा चैनल ठप हो जाना था, सही है। लेकिन शायद ना होता, वो चैनल मेरा ठप इसलिए नहीं होना था क्योंकि मेरे जिस जीमेल ID पे चैनल बना हुआ, वो मैंने कहीं पे भी नहीं दिखाई हुई।
मैंने जहाँ पर भी कोलैबोरेशन के लिए बिजनेस के लिए अपनी ईमेल आईडी दी हुई है वो ये वाली दी हुई है, मतलब उस्मान शफीक ए के मिस्टर जैक @gmail.com। तो उसने भी मुझे इस पर रब्ता किया था, और अगर हैक होती भी तो ये वाली आईडी हैक होनी थी, मेरे चैनल वाली आईडी हैक नहीं होनी थी। तो अगर आप ही यूट्यूबर हो तो भाई बच के, अपने जो चैनल वाली आईडी है ना वो कभी किसी को नहीं आपने दिखानी है, वो ना कहीं पे लिखनी है ना किसी से शेयर करनी है, कहीं पे भी नहीं लिखनी। तो अगर हैक होती भी तो मेरी ये वाली दूसरी होनी थी और चैनल मेरा बच जाना था। और दूसरी बात ये कि मेरी काहली ने मेरा चैनल जो है ना वो बचा दिया। लेकिन लोग कैसे यार, कैसे कर लेते हैं यार लोग, मतलब किसी की इतनी मेहनत होती है, आप उसके पीछे लग जाते हो, उस बेचारे का चैनल उड़ा देते हो आप। भाई मेरा उड़ जाता, मैं तो गया था ना फिर, है कि नहीं। अब चले, वो जिसके 1 लाख होने वाले थे बेचारे, उसको कितनी खुशी होगी यार कि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है, मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलेगा, लेकिन देखो उसके साथ क्या हुआ यार। खैर क्या कह सकते हैं यार, एंड दिस इज़ मून मार्केट। और आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ मेरा चैनल बच गया, सीधी सी बात है भाई। और गुजरांवाला से हूँ, और गुजरांवाले के लोगों में कोई खुशी हो, कोई गमी हो, खुश होंगे तो भी खाना खाएंगे, कोई गमी होगी तो भी खाना खाएंगे, कुछ भी होगा तो वो खाना ही खाएंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, मुझे इस्लामाबाद के लिए भी निकलना है, तो खाना शाना खाना है, पैकिंग शेकिंग करनी है, उसके बाद मुझे निकल जाना है यहाँ से इस्लामाबाद के लिए। तो ये व्लॉग तो नहीं था, लेकिन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि मैं शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने आपसे चिट चैट और बातें शातें भी हो जाएंगी। तो ठीक है, उठ तो यार, खाना खाना भूख लगी है। अजय तूने घर नहीं जाना, उठ। तो फिर अगला व्लॉग जो ना वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बनेगा, तो मिलते हैं फिर कल परसों तक, ठीक है। Office.